हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मोनोपोली तो चलिए शुरू करते हैं इट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड ओनली वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं मगर बेचने वाला सिर्फ एक ही है एक ही कंपनी है जिसका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है एक ही सेलर है प्रोड्यूस करती है या एक ही प्रोड्यूसर है देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द कॉम्युनिटी इट प्रोड्यूस तो जो भी वो कंपनी मनोपली कंपनी है जो वो सामान बनाती है उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है देर आर बैरियर टू एंट्री और बैरियर्स टू एंट्री है मतलब कोई भी नई कंपनी वो माल नहीं बना सकती एग्जाम्पल इंडिया में पहले बी की मोनोपली होती थी जब बी की मोनोपली होती थी तो सिर्फ टे टेलीफोन की एक ही कंपनी होती थी बी ठीक है बाद में कई कंपनीज़ आ गई तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मगर ओवरऑल इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाला एक ही है ठीक हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो तो, इकनोमिक्स जिसका नाम है, तो है? है, है? शुरू करते है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर एक की होता है और बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो इसमें मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है देर इज सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड और सर्विस हु मे बी अटर एक ही प्रोड्यूसर होगा और वो किस टाइप की कंपनी हो सकती है सोल प्रोपराइटर भी हो सकती है देर में ग्रुप ऑफ पार्टनर्स क्या पता पार्टनरशिप में काम करें क्या पता वो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या क्या पता स्टेट ओन्ड कंपनी हो मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकती है देयर इज ओनली वन फर्म इन मोनोपोली एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री फर्म और इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं होता मैं आपको साइड पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मान लो ये फर्म है अगर सम टोटल ऑफ ऑल द फर्म्स करें तो ये इंडस्ट्री होगी फॉर एग्जाम्पल नाइक नाइक इज अ फर्म मगर नाइक एडिडास ठीक है और रिबॉक एटसेट्रा एटसेट्रा सारी कंपनियों को मिलाएं तो वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडस्ट्री बन जाती है तो इस टाइप में मोनोपली में क्या होता है फर्म भी वही होती है और इंडस्ट्री भी वही क्योंकि उसका कोई क्लोज सबसे जोड़ तो होना ही नहीं है तो ग्रुप ऑफ फर्म्स को इंडस्ट्री कहते हैं मगर इसमें इंडस्ट्री और फर्म में कोई फर्क नहीं होता ठीक है but the buyers of the product are in large numbers and thus no buyer can influence the price of the प्रोडक्ट बेसिकली सेलर एक ही होता है और पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई उसके कंट्रोल में होती है मगर बायर इतने ज्यादा है कि अगर एक आधा बायर मार्केट को असर करना चाहे तो नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मोनोपलिस या मोनोपली वाले को कहूं मैंने तेरी चीज नहीं खरीदनी तो मार्केट में क्या उसकी चीज ही नहीं बिकेगी तो मार्केट डिमांड पर एक इंडिविजुअल बायर कोई असर नहीं डाल सकता सेकेंड आ जाता है मोनोपली इज ऑल्सो इंडस्ट्री वही बात जो मैं पहले कर रहा था देर इज ओनली वन फर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स वही फर्म है और वही इंडस्ट्री क्योंकि इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स होती हैं और कोई फॉर्म तो है हाँ ही नहीं है तो इंडस्ट्री में तो सिर्फ एक ही फॉर्म है ठीक है रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर रिस्ट्रिक्शन ना होती

commodities produced commodities or yeah, commodity produced by the firm should have no close substitute otherwise the monopolist will not be able to determine the price of a commodity as per the as per his or her discretion जो भी मोनोपली फर्म होती है उसमें जो भी माल बन रहा होता है उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता अगर उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट आ गया तो वो मोनोपली थोड़ी ना रही फिर तो वो कंपटीशन हो गया ठीक है ना उसका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा और इसी वजह से जो मनोपलिस्ट होता है या मोनोपली वाला होता है वो प्राइस को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है मार्केट में जो चल रहा है और वही बात आ गई दोबारा प्राइज मेकर अ मनोपलिस्ट इज अ प्राइज मेकर मोनोप्लिस्ट जो है प्राइस मेकर होता है अ मेकर इज वन हु हैज गॉट कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट प्राइस मेकर वो होता है जिसका मार्केट सप्लाई पे फुलंट्रोल है और मोनोपलिस्ट का मार्केट सप्लाई पे फुलट्रोल रहता है क्योंकि एक ही कंपनी है सप्लाई ऑफ द कम्योटी इनकेस द मनोपलिस्ट इनक्रीज दिटी प्राइज ऑफ इट मे फॉल अगर वो मार्केट में ज्यादा लेके आता है सप्लाई करता है तो प्राइस गिर सकता है इफ इज दाइज मे राइज अगर वो प्राइस को मतलब सप्लाई को रिड्यूस कर देता है तो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है नेक्स्ट आ जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट चार्ज किया जाता है फॉर द सेम प्रोडक्ट तो हम कह सकते हैं इट इज अचुएशन इन विच डिफरेंट प्राइजेज आर चार्ज फॉर द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट चार्ज करना फॉर द सेम प्रोडक्ट तो जो मोनोपलिस्ट होता है या जिसकी मोनोपली होती है उसकी तो अपनी दुकान है वो अपने रिश्तेदारों को सस्ते में दे देगा और बाकियों को डबल रेट पे देगा तो मोनोपली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है और इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मनोपली भी कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एबसेंस ऑफ सप्लाई का जो मोनोपलिस्ट या मोनोपली फॉर्म होती है उसमें सप्लाई का बिल्कुल नहीं होती जब मैं हायर लेवल पे बनाऊंगा तो आपको डायग्रामेटिक तरीके से करके बताऊंगा ये मोनोपलिस्ट डज नॉट हैव

ऐसे भी तो हो सकता है कि प्राइस सेम दे दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वांटिटी कम दी सेम प्राइस पे क्योंकि नहीं होती कब होती नहीं है तो, friends, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक और टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज और सोर्सेज ऑफ मोनोपली पावर तो सबसे पहले मोनोपली पावर क्या होता है वो सिंप्लीफाइड वे में आपको बता देता हूं मोनोपली पावर होता है पावर टू कंट्रोल द प्राइस मार्केट मोनोपलिस्ट के पास जो पावर होती है कि वो मार्केट में सप्लाई

आ, मतलब अरब कंट्रीज है उनके पास तेल ज्यादा और बाकी उनके पास कम है ठीक है बाय कंट्रोलिंग द की रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सिस अ फर्म कैन मोनोपलाइज द इंडस्ट्री एंड कीप न्यू कॉम्पिटिटर्स आउट तो अगर उनके पास रॉ मटेरियल की मोनोपली होगी किसी भी कंपनी के पास तो वो अपने कॉम्पिटिटर को तो ऐसे ही उधेड़ देगी कॉम्पिटिटर्स को तो आउट रखेगी क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स के पास तो रॉ मटेरियल है ही नहीं दूसरा आ जाता है पेटेंट्स पेटेंट इज एन एक्सक्लूजन राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट यहाँ गवर्नमेंट में डॉट डालना भूल गया शॉर्ट फॉर्म लिखी थी टू यूज सम प्रोडक्टिव टेक्निक और टू प्रोड्यूस अ सर्टेन प्रोडक्ट तो बेसिकली अगर मैंने या फिर किसी भी इंडस्ट्री वाले ने कोई एक काम करने का तरीका इन्वेंट कर लिया और उस पर पे पेटेंट ले लिया तो और कोई जो इंसान है वो एक पर्टिकुलर इंसान या कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसे पेटेंट मिल जाता है तो जब तक पेटेंट चलेगा तब तक तो मोनोपली होगी ना पेटेंट्स गिव द सोल राइट टू पेटेंट होल्डर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मैंने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्वेंट कर लिया तो मेरे पास सोल राइट right होगा अगर मैंने पेटेंट ले लिया तो मेरे पास ही राइट right होगा कि सिर्फ मैं ही प्रोड्यूस करूँ दीज आर ग्रांटेड टू द इन्वेंटर ऑफ अ टेक्निक और प्रोडक्ट ये पेटेंट राइट्स किसको दिए जाते हैं जिस इंसान ने कोई काम करने का तरीका या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की हो उसे दिया जाता है ताकि इनोवेशंस को एनकरेजमेंट मिले तो जिसके पास भी पेटेंट है उसके पास नापली होगी और कोई चीज और कोई कंपनी वो चीज बना नहीं सकती जिसपे पेटेंट लिया हुआ है एक पर्टिकुलर कंपनी ने नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल बैरियर्स प्रिंसिपल टेक्निकल बैरियर इज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो सबसे मेन जो टेक्निकल बैरियर है वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है कई कंपनियां इतना बल्क में माल बनाती हैं उनको इतना सस्ता पड़ता है कि अगर कोई आम कंपनी आके बनाने की कोशिश करेगी उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी इसलिए वो बनाई नहीं पाएंगी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्योनिटी मे एक्जिबिट डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिन कॉस्ट ओवर अ वाइड रेट ऑफ आउटपुट लेवल्स सो दैट इट बिकम्स प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एट अ लार्ज स्केल कि अगर एक कंपनी इतना लार्ज स्केल में बनाती है कि उसका ए सी और एम सी बहुत ज्यादा गिर जाता है तो वो भी एक टाइप की टेक्निकल बैरियर है अगर और कोई कंपनी वो आके बनाने की कोशिश करेगी तो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो लार्ज स्केल पे बनाए और उसकी कॉस्ट काफी कम आए नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट में ग्रांट अ लाइसेंस टू अ फर्म टू हैिवलेज टू प्रोड्यूस गिवन गुड और सर्विस पर्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट भी कभी कभी ग्रांट कर देती एक ही कंपनी को दे दिया तो उसकी मोनोपली हो जाएगी ना फला जगह पे पेट्रोल बेचने का ठेका किसी और को दे दिया फ्ला फ्लां जगह पे इंटरनेट को चलाने की जो है ठेका लाइसेंस किसी और को दे दिया नो फॉर्म कैन एंटर इन दैट एरिया विदाउट अस प्रोवाइडेड बाय अ ग

मैकिन टोश ये वो है वो अगर इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए या कुछ नहीं हुए तो किसी के पास नहीं था हिस्टोरिकली अगर कोई कंपनी पहले किसी फील्ड में एंटर कर जाती है और उसी के पास नॉलेज होती है तो उसकी भी मेनोपली बन जाती है ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जज्बाती लेके मेरे को गालियाँ गुलियाँ मत निकालना कि पहले ये था वो था मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ ठीक है द फर्स्ट फर्म टू मार्केट सम प्रोडक्ट विल यूजली इंजॉय अजिशन तो ज्यादातर मोनोपली पोजिशन उसी की होती है जो फर्स्टली एंटर होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में ठीक है नेक्स्ट आ जाता है लिमिट प्राइजिंग पॉलिसी लिमिट प्राइजिंग पॉलिसी क्या होती है सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है कि जो एक्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो ऐसा प्राइस सेट कर देती हैं जिसको लिमिट प्राइस कहते हैं इसके ऊपर बेन्स की लिमिट प्राइजिंग थ्योरी बहुत मशहूर है एक ऐसा प्राइस सेट कर देते हैं जिसे नई फर्म्स अ, अंदर मार्केट में आने में काफ़ी शाई फील करती हैं क्योंकि उस प्राइस पे उनको लॉसेस होंगे समझ गई बात तो इट इज़ द पॉलिसी विच एम्स एट प्रिवेंशन ऑफ न्यू न्यू एंट्री ये वो पॉलिसी है जो न्यू एंट्री को प्रिवेंट करती है दिस कैन बी अचीव्ड बाई सेटिंग अ प्राइस जस्ट बिलो द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ अ पॉसिबल पोटेंशियल एंट्रेंट ये तब हो सकता है जब प्राइस सेट किया जाए मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो भी पोटेंशियल एंट्रेंट है उसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम आता है उससे भी कम प्राइस रख देंगे तो उस कंपनी को तो बेच के लॉस होगा ना तो इसलिए वो कंपनी फिर एंटर ही नहीं कर पाएगी नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल साइज मनोपली में ऑल्सो कॉस्ट ड्यू टू द्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर प्रोडक्टिव यूनिट इसलिए भी हो सकती है कि वो पर्टिकुलर काम करना इतना महंगा है कि छोटी मोटी कंपनियां अफोर्ड नहीं कर सकती बहुत ज्यादा पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा मशीनरी चाहिए द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी मे इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सच अ वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट न्यू कॉम्पिटिटर्स आर इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट इतना ज़्यादा पैसा चाहिए इतना ज्यादा वो मतलब सरमाया चाहिए कैपिटल चाहिए मशीनरी चाहिए पैसा चाहिए कि नई कंपनियां सोच भी नहीं सकती उस बिजनेस में आना तो जब सोच ही नहीं पाएंगी तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी तो मोनोपली होगी ना नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस मर्जर अ फर्म में एक्वायर मोनोपली सिंपली बाय टेकिंग ओवर एंड गेटिंग अ हाई कंबाइंड मार्केट शेयर फॉर अ न्यू लार्जर फर्म ऐसा भी हो सकता है के मोनोपली मर्जर से भी हो सकती है एक कंपनी पहले की चल रही है दूसरी कंपनी आ गई उसके साथ मर्ज कर लिया तो भी मोनोपली बन सकती है तो कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी या अपने की के साथ मर्जर कर लेगी और और कोई और कंपनी नहीं है तो उनकी भी मोनोपली बन सकती है वंस यूनिफाइड यूनिफाइड होता है एक का करना मतलब वो एक हो गई द फॉर्मर कॉम्पिटेटर मर्ज इन टू मोनोपली तो जो भी पहले कॉम्पिटेटर था वो तो मोनोपली बना के बैठ गया ना क्योंकि मोनोपली में तो एक ही कंपनी होगी अब बेसिकली ठीक है तो दो कंपनियां मर्ज करके भी मनोपली बना सकती हैं जैसे एक कंपनी पहले एक गुड बना रही है दूसरी भी बना रही है कॉम्पिटिटर थे मगर दोनों के दोनों मिल गए अब ये मोनोपली बना ली उन्होंने अपनी ठीक है ना हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है डिमांड कर्व अंडर मनोपली डिमांड कर्व मोनोपली के अंडर कैसे होती है फटाफट फट से बताने की कोशिश करूंगा आपको पता है मोनोपली में क्या होता है सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट होता है तो जितने सेलर कम होते हैं उतना ही डिमांड में इलास्टिसिटी कम होगी तो इस केस में होगा क्या इस केस में जो डिमांड कब होगी वो लेस इलास्टिक होगी लेस इलास्टिक का मतलब जल्दी नीचे गिरेगी जल्दी नीचे गिरने का मतलब क्या होता है टेक्निकली कि जो भी प्राइजेस में चेंज आएगा वो ज्यादा होगा ठीक है और जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा वो हमेशा कम होगा मैं आपको इसको थोड़ा सा करके बता देता हूँ जैसे मान लो प्राइस था ये डिमांड थी ये प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया डिमांड में हल्का सा चेंज आया ठीक है मतलब प्राइस के चेंज आने से जो डिमांड में चेंज आएगा ना वो कम होगा उसे कहते हैं लेस इलास्टिक तो आपने ये फैक्टर फैक्टिंग इलास्टिसिटी में भी पढ़ा हुआ है कि अगर अवेलेबिलिटी मैं यहां लिख देता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट अगर सब्सिटीट्यूट की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है तो प्राइज इलास्टिसिटी क्या होती है जितने ज्यादा सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और जितने सब्सिट्यूट्स कम अवेलेबल होंगे उतनी इलास्टिसिटी कम होगी तो डिमांड कब लेस इलास्टिक होती है लेस इलास्टिक मतलब जल्दी नीचे गिरती है तो आप यहां भी कह सकते हो इलास्टिसिटी इज लेस देन वन ठीक है तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कम चेंज आता है इसलिए मैंने पहले लिखा हुआ है कि लेस इलास्टिक डिमांड कव होती है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रेवेन्यू कर्व्स अंडर मनोपली मनोपली के अंडर रेवेन्यू कर्व्स कैसी होती हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूं सबसे पहले मनोपली के अंदर जो ए आर कव होती है वो जल्दी नीचे गिरती है ठीक है और ए आर के गिरने से आपको पता है एम आर उससे भी ज्यादा गिरती है तो ये है ए आर कव मैं इसको बैक कर लेता हूँ ठीक है बैक तो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ ऑप्शन ये ए आर कव है ये एम आर कव है अब आपको बताता हूँ ये कैसे आई देखो मैंने पिछले केस में बताया था कि डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होती है लेस इलास्टिक क्यों होती है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स तो होती नहीं तो जितने कम सब्सिट्यूट्स होंगे उतनी इलास्टिसिटी कम होगी तो जो डिमांड कब होती है वो जल्दी नीचे गिरती है तो जब डिमांड कब जल्दी नीचे गिरती है मतलब लेस इलास्टिक होती है डिमांड कब और एवरेज रेवेन्यू कब एक ही होती है ठीक है डिमांड का मतलब है कंज्यूमर साइड हम एक रुपया दे कोई चीज खरीद रहे हैं या फिर प्राइस देके कोई चीज खरीद रहे हैं वो है डिमांड एवरेज रेवेन्यू होता है प्रोड्यूसर साइड कि वो इतना चीज इतने पैसे लेके कोई चीज बेच रहे हैं तो डिमांड कर्व हमारे व्यू पॉइंट से होती है और ए आर कव दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं मतलब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो हम खरीद रहे हैं वही वो, वो बेच रहे हैं ना तो डिमांड कर्व और ए आर कव एक ही होती है और डिमांड के गिरने से मतलब ए आर के गिरने से एमआर उससे भी तेजी से गिरता है ये मैंने आपको रेवेन्यू के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये कैसे कैसे क्या क्या है ठीक है तो ए आर और एम आर कव जल्दी नीचे गिरती है इनकी स्लोप ज्यादा होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस जिसका

परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन बनती थी अब मैं बनाता हूँ टोटल कॉस्ट कर्व आपको पता है टोटल कॉस्ट शुरू में डिमिनिशिंग होती है बाद में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है ये हो गए टोटल कॉस्ट कर्व ये दोनों कर्व्स आपस में ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं इन पॉइंट्स uh, को हम ब्रेक इवन पॉइंट्स कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स ब्रेक इवन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं माइक्रो में जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है समझ गए बात जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ठीक है तो ये बात ध्यान से रखना ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जो हैं थोड़ी स्टाइलिश एरो मार लेता हूँ ये लो हो गया स्टाइलिश ठीक है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है अब मैं क्या करूंगा ब्रेक इवन पॉइंट से डॉटेड लाइन नीचे तक लगाऊंगा क्योंकि ये क्वांटिटी पे मैंने ये दिखाना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो मैंने नीचे तक लगा लिया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वांटिटी वन यहाँ पे लिख दी क्वांटिटी टू अगर मैं ध्यान से देखू तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये वाला ये वाला ये दिखा रहा है हमें लॉस लॉस क्यों दिखा रहा है अब ध्यान से देखना क्यों दिखा रहा है क्योंकि ये जो cost, ये जो कॉस्ट कॉस्ट ये ये ज्यादा है ठीक है और रेवेन्यू कर्व जो है वो नीचे है तो कॉस्ट ज्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा तो ये तो लॉस होगा ना तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो ये बेसिकली आपको लॉसेज दिखा रहा है सिमिलरली यहाँ पे भी लॉसेज हो रहे हैं. क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो गई है यहाँ पे और रेवेन्यू कब नीचे गिर गई है समझ गई बात तो ये भी लॉसेस तो प्रॉफिट कहाँ हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम ठीक है अब मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा जहाँ गैप मैक्सिमम होगा तो एज यूजुअली आपने क्या करना है आपने थोड़ा सा स्के थोड़ा सा क्या पूरा स्केल लेना और पूरा स्केल देख के आप ये देखना कि मैक्सिमम गैप कहाँ है जहाँ पे भी मैक्सिमम गैप है ना वहाँ से स्ट्रेट लाइन आपने नीचे खींच देनी है ऐसा क्यों करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा जहाँ पे भी ये गैप मैक्सिमम है वहां पे रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हुआ और कॉस्ट कम से कम हुई फिर आपने क्या करना है ये जो पोर्शन है ना सी और डी इसको मेजर कर लेना है ये जो पोर्शन है सी और डी इसको मेजर कर लेना है तो जितना सी और डी है उतना ही आपने इस लाइन के यहाँ एक कट लगा देना है और उसको पॉइंट ई e दे देना है और ये क्वांटिटी इक्वलिब्रिम की दे देनी है ठीक है मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा क्यों मैंने बनाया है ऐसा कैसे बनाया अब टीचर्स क्या करते हैं ज्यादातर टीचर्स इस पे एक टेंजेंट खींच लेते हैं ठीक है टेंजेंट खींचने को कह देते हैं कि भाई टेंजेंट खींचो इसके ऊपर ऐसे करके और इसी के पैरेलल यहाँ टेंजेंट खींचने को कह देते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा साइड पे रफ डायग्राम बना के क्यों होता है ऐसे तो अब आपने क्या करना है अब आपने प्रॉफिट कब बनानी है तो प्रॉफिट कब बना लेते हैं इससे पहले तो प्रॉफिट हमारा लॉस था ना नेगेटिव प्रॉफिट था तो हमने क्या किया इससे पहले लॉस दिखा दिया मतलब नेगेटिव प्रॉफिट तो जैसे जैसे ये गैप बढ़ रहा है ये वाला गैप बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जारा, बढ़ता जा जा रहा रहा है है इस लेवल पे प्रॉफिट क्या है मैक्सिमम और जैसे ही ये गैप फिर से कम होने लग गया तो हमारा प्रॉफिट क्या होने लग गया फिर से गिरने लग गया और जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आया यार ये लाइन सीधी नहीं बन रही रुको मैं ये लाइन सीधी बना लेता हूँ जैसे ये यहाँ पे हाँ जैसे ही ये गैप कम होने लग गया ठीक है ना वैसे ही हमारा प्रॉफिट गिरने लग गया इस पॉइंट पे फिर से वो जीरो हो गया मतलब प्रॉफिट जीरो हो गया और उसके बाद तो लॉस है तो इसको नीचे ले गए तो ये है पाई मतलब टोटल प्रॉफिट का अब ये मैंने ये जो टेंजेंट किया था इसका क्या टेंशन है मैं बताता हूँ मान लो ये है टोटल रेवेन्यू और ये है टोटल कॉस्ट असल तरीका बनाने का होता है कि दो पैरेलल टेंजेंट खींचेंगे उसको मिलाएंगे मगर कई बार बच्चे क्या करते हैं ये पैरेलल ये पैरेलल ये लाइन ही टेडी ले जाते हैं तो वो गलत हो गया ना तो इससे तो अच्छा ये है कि आप क्या करो पहले ये टोटल रेवेन्यू बनाओ फिर बनाओ टोटल कॉस्ट ठीक है स्ट्रेट लाइन में देख लो भाई कि कहाँ पे गैप ज्यादा है बाद में टेंजेंट बना दो टीचर को क्या पता और ये जो टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल होने चाहिए ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर इस वीडियो में मैंने कराना है एम सी एन एम आर अप्रोच एम सी एन एम आर अप्रोच आपको कहती है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच ये कहती है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तब होता है जब एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है और एम सी कट्स एम आर फ्राम बिलो या कई बुक्स में लिखा होता है एम सी शुड बी राइजिंग ये कैसे होता है ये शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे आपको डायग्राम दिया हुआ है सबसे पहले मैं क्या करूँगा मैं बनाऊंगा ए आर तो मैंने ये जो डायग्राम में बना लिया है ए आर तो ए आर को मैं नाम दे देता हूँ उसके बाद कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा कलरफुल होएगा तो ज्यादा सही रहेगा और उसके बाद मैं यहाँ से ओहो ये थोड़ा टाइट बन गया है मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ से थोड़ा ऐसे बनाता हूँ तो ये बन गया एम आर कर्व ठीक है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एम आर कर्व अब एम सी कर्व आपको पता है यू शेप होती है तो मैं एक एम सी कर्व बना देता हूँ एम सी कर्व अब देखो इक्विलिब्रियम कहाँ होता है जहाँ एम सी एम आर को नीचे से काटती है ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का बिकॉज एट दिस पॉइंट एम सी इज इक्वल टू एम आर और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो एम सी और एम आर बराबर भी हैं और एम सी एम आर को नीचे से काट रही है या फिर आप कह सकते हो एम सी शुड बी राइजिंग बराबरी के बाद एम सी बढ़ रही है अब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे हम इसको डॉटेड लाइन नीचे तक मिला लेते हैं स्ट्रेट लाइन आपने स्केल से मिला लेनी है यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है तो जो नीचे मैंने मिलाई है ये मैंने बना दिया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और जो ये ए आर को टच हुई है जैसे ये ए आर पॉइंट को ए आर को टच हो रही है तो एआर क्या होता है प्राइस अगर आपको पता नहीं ए आर प्राइस कैसे होता है तो आपको रेवेन्यू चैप्टर देखना पड़ेगा मेरा ठीक है तो यहाँ मैंने पॉइंट ए लिख दिया ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमें कैसे पता लगा एम सी एम आर के थ्रू कि ये इक्विलिब्रियम है क्योंकि एम सी एम आर को नीचे से काट रही है और एम सी एम आर बराबर है ई e पॉइंट पे और ई e पॉइंट के सामने अगर हम नीचे की तरफ इसको ज्वाइन करें तो उससे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी और अगर हम उसको ए आर पे ज्वाइन करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा तो अगर हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है ओ क्यू ई इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड ओ पी ई इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस देखना है तो वो ओ पी ई है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मनोपली का एक और टॉपिक जिसका नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशनोपली मनोपली के अंडर प्राइस एंड आउटपुट का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या लिखना है मनोपली के अंडर जब भी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है तो हमें शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंडर कौन कौन सी सिचुएशन है वो लिखनी है शॉर्ट रन में सुपर नॉन प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट मिनिमम लॉसेज शटडाउन पॉइंट आ सकता है और लॉन्ग रन में मनोपली में सिर्फ सुपर नॉन प्रॉफिट होता है क्यों क्योंकि और कोई कंपनी नहीं है तो लॉन्ग रन में अगर कंपनी सर्वाइव कर जाती है मोनोपली भी सर्वाइव कर जाती है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है जो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपली है उसमें तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन और ये सुपर नॉर्मल नौर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट मिनिमम लॉस ये सब लिखना है मगर

इट इज़ ए सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं लिखूँ तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है और एवरेज कॉस्ट कम होता है किसके सामने इक्विलिब्रियम के सामने तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम बनाता हूं और उसके बाद करेंगे जो भी करना है तो सबसे पहले मैं इसमें ए आर एम आर कब बना रहा हूँ ए आर कव नीचे गिरती है और आपको पता है ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती है तो मैंने यहाँ पहले बना ली ए आर कव तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ए आर ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज़्यादा गिरती है मैं यहाँ पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ मान लो ये एम सी का है ठीक है मैं इसको थोड़ा सा और स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूँ ठीक है ये एम सी का है ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एम सी अब एम सी एम आर को नीचे से काट रही है जब भी एम सी एम आर को नीचे से काटती है तो वो इक्विलिब्रियम हो जाता है और ये जो इक्विलिब्रियम है इसको अगर मैं नीचे से ज्वाइन करूंगा मान लो ये और इसको मैं ऊपर से भी ज्वाइन कर दूंगा तो आपको पता है एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहा जाता है ठीक है तो अगर इसको नीचे से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ठीक है और अगर मैं इसको ए आर पे टच करा रहा हूँ इसको पॉइंट ए दे दिया इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया तो ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अब हमें क्या करना है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कब बनानी है <coughs> अब आपको याद रखना है एवरेज कॉस्ट कब बनाते हुए एसी और एमसी के रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए तो मैं एवरेज कॉस्ट बना रहा हूं बना रहा हूं बना रहा हूँ ही एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को टच कर रही है वो लो है फिर बढ़ रही है समझ गए बात तो यहाँ मैंने बनाई है एवरेज कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम है ना जो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम है वही एम सी कब इसको काटेगी क्योंकि ए सी एम सी के रिलेशन है अब ये ज़रूरी नहीं कि ये बीच में ए आर भी ये जो ए आर मैंने बनाई है उसी पॉइंट पे काटेगी भाई इधर उधर भी काट सकती है ठीक है तो टेंशन नहीं लेनी अब अगर इक्विलिब्रियम के सामने देखें तो प्राइस कितनी है इतनी इक्विलिब्रियम के सामने जो प्राइस आ रही है तो वो मैं लिख लेता हूँ जो प्राइस आ रही है इक्विलिब्रियम के सामने वो आ रही है ए क्यू ई क्योंकि ये भी तो प्राइस है ना ये प्राइस ठीक है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ विच इज इक्वल्स टू ओ पी ई क्योंकि ये और ये तो बराबर ही है समझ के बात तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो अब जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है ये जो पॉइंट जहां पे एसी एसी ए जो है वो इक्विलिब्रियम की ये जो ग्रीन लाइन है इसको काट रही है इसको मैं बी पॉइंट दे देता हूँ और इसको मैं अगर यहां से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये आपकी कॉस्ट आ गई तो कॉस्ट कितनी है ये वाली ठीक है जिसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ प्राइस कितनी है ये वाली तो भाई आपके तो मज़े ही है ना कि कॉस्ट क्या है कम और प्राइस क्या है ज्यादा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट क्या है बी क्यू ई मतलब ये वाला पोर्शन ठीक है या फिर ये वाला पोर्शन क्योंकि तो सेम है विच इज इक्वल्स टू ओ सी तो कॉस्ट क्या है कम है ठीक है कॉस्ट है कम और रेवेन्यू मतलब एवरेज रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हो प्राइस क्या है ज्यादा तो कंपनी को क्या होगा सुपर नॉन प्रॉफिट होगा अब सुपर नॉन प्रॉफिट को अगर शेडेड पोर्शन करना है तो ये वाला डब्बा हो गया ना तो अगर मैंने सुपर नॉन प्रॉफिट दिखाना है सुपर नॉन प्रॉफिट विल बी पी ई सी बी ए ये जो बॉक्स है ये सुपर नॉन प्रॉफिट है तो इसको हम एरो मार के लिख देते हैं कि भाई ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा Monopoly के अंडर शॉर्ट पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और कैसे सिचुएशन होती है तो इट इज इज इन एवरेज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टू कॉस्ट ऑफ आउटपुट अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कहते हैं सर अगर ए आर और ए सी बराबर है किसके सामने इक्वलिब्रियम के सामने तो कॉस्ट और रेवेन्यू तो बराबर है फिर भी इक्वलिब्रियम कैसे हो गया फिर भी इक्वलिब्रियम मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो गया मैं उनको कहता हूँ पहले आपको इंग्लिश में लिख के बता देता हूँ फिर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा क्योंकि क्या होता है बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स बिकॉज मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स ठीक है आर एडेड ये आर अजीब सा बन गया आर एडेड इन कॉस्ट्स जो मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो तो कॉस्ट के अंदर ही आ जाता है एग्जांपल देता हूँ मैं जीन्स खरीदने गया किसी दुकान पे मेरे पास दो हजार रुपये थे ठीक है उसने कहा तीन हजार की जीन है तो मैंने कहा भाई मेरे को तो इतनी महंगी नहीं है मेरे पास तो दो हजार का बजट है ठीक है तो वो कहेगा ठीक है आ, ऐसे करो मेरे पास एक जीन है वो इतने रुपए की है रुपए की बता देगा मैं कहूंगा नहीं मेरा तो बजट दो हजार है वो फिर कहेगा चलो मेरी खरीद ही दो हजार है दो हजार के ऊपर दो हजार तो की देके आ जाऊंगा उसको और कह दूंगा देखो जी मैंने तो दो हजार दे दिए जितनी उसकी खरीद थी उतने दे दिए मगर जो उसने अपनी एवरेज कॉस्ट बताई थी ना वो गलत बताई थी क्योंकि वो एवरेज कॉस्ट में ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करके मुझे बता रहा था तो जब भी दुकानदार किसी भी चीज को ये कहते हैं ना कि मेरी तो जी लागत ही इतनी है मेरी तो जी खरीद ही इतनी है तो वो झूठ बोल रहे होते हैं उसमें वो अपना नॉर्मल प्रॉफिट पहले से डाल देते हैं ताकि आप खरीद पे भी उनको दे के जाओ पैसे तब भी वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा ही ले तो वो कह देते हैं चलो जी इतनी मेरी खरीद है ऊपर दे दो जो देना आपने ठीक है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ना शुरू कर दो दुकानदारों से मैं सिर्फ नोपली में एक सिचुएशन बता रहा हूँ ठीक है तो अब हम बनाएंगे ए आर तो मैंने ये बना दी ए आर ठीक है इसको नाम दे देता हूँ तो पहले एम भी बना देता हूँ ठीक है तो ये होगी ए आर एंड एम आर कव मैं यहाँ पे बना देता हूँ ए आर और एम आर कव अब मुझे क्या करना है मुझे इसके अंदर एम सी कव भी बनानी है तो मान लो ये मैंने एम सी कव बना दी एम सी कव इसका नाम लिख देता हूँ ठीक है बैक कर देता हूँ यहाँ पे आ गया एम सी MC एम आर MC को नीचे से काटती है तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम नीचे से मिला देते हैं डॉटेड लाइन से और इसको ऊपर मिला देते हैं ठीक है तो नीचे मैं दे देता हूँ इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और यहाँ मैं पॉइंट दे देता हूँ और इसको डॉटेड लाइन जोड़ देता हूँ तो ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस तो अब अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है तो मुझे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं क्या करूँगा मैं ऐसे करते करते एवरेज कॉस्ट को लेके जाऊँगा नीचे 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 इस पॉइंट पे टेंजेंट करूँगा रुको दो मिनट इस तरीके से बनाता हूँ कि यहाँ पे टेंजेंट भी हो जाए और यहाँ पे लोएस्ट हो के वो बढ़ जाए ठीक है तो इस टाइप की कोई कर्व बनेगी लोएस्ट तो यार यहाँ आ रहा है यहाँ पर कट रहा है चलो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ ठीक है एक बार फिर से कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैंने टेंजेंट करवा दी दो मिनट दो मिनट इसको हम मिला देते हैं फिर से बनाते हैं यहाँ पे मैंने टेंजेंट करा दी और यहाँ पे लोएस्ट करवा के मैंने बढ़ा दी ठीक है तो ये होगी मेरी एवरेज कॉस्ट का अब देखो एम को लोएस्ट पॉइंट से काट रहा है ना वो रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया और इक्वलीब्रियम के सामने देखो इक्वलिब्रियम के सामने अगर मैं इक्वलीब्रियम प्राइस की बात करूँ तो इक्वलीब्रियम के सामने जो प्राइस आ रहा है वो ये ठीक है इसको मैं बीच बीच में काटता रहूंगा मतलब ए क्यू ई प्राइस है और वो प्राइस किसके बराबर है ई के बराबर है और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं कि कॉस्ट कितनी है तो भाई एवरेज कॉस्ट का भी तो यहीं पे काट रही है ना तो एवरेज कॉस्ट का भी तो ए क्यू ई ही है ठीक है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट बराबर है इक्विलिब्रियम के सामने तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के सामने एवरेज रेवेन्यू भी उतना ही आ रहा है और एवरेज कॉस्ट भी वहीं पर टेंजेंट हो रही है इसीलिए इस पॉइंट को हम नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन कहेंगे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी अगर हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ करूंगा मनोपली के अंडर शॉर्ट पीरियड में मिनिमम लॉसेस ठीक है तो इट इज अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इसका मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट बेच के जो पैसा आना है एवरेज रेवेन्यू इट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट किसके सामने इक्विलिब्रियम के सामने तो हमेशा जो भी मार्केट्स हैं उसमें जो भी पंगा करना है आपने इक्विलिब्रियम के सामने ही पंगा करना है और इक्विलिब्रियम के सामने ही देखना है तो चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ डायग्राम में सबसे पहले मैंने ये बनाई ए आर कव और ए के साथ में एम आर कव भी बना देता हूँ ठीक है ये बन गई एम आर कव ठीक है तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इनको ये है ए आर कव और ये है एम आर कव अब मैं क्या करता हूँ कलर चेंज करके मैं एम सी भी बना देता हूँ तो ये मान लो है एम सी कव ठीक है मैं इसको नाम दे देता हूँ एम सी अब एम सी एम आर को नीचे से यहाँ से काट रही है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि इक्विलिब्रियम कहां होता है जहां एमसीज इक्वल टू एम आर होती है और एम सी काट एम आर फ्रॉम बिलो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में नीचे मतलब जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और पूरा का पूरा देखें कि मैंने एम सी एम आर अप्रोच कैसे कराई है तो अगर इसको नीचे तक ज्वाइन करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई इसको ऊपर तक ज्वाइन करेंगे ए आर तो प्राइस होता है तो मैं यहाँ ए लिख देता हूँ तो इसको अगर मैं यहां तक ज्वाइन करता हूँ तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया ठीक है अब मुझे क्या करना है मुझे लॉस बनाना है लॉस बनाने के लिए मुझे एवरेज कॉस्ट जो है वो ऊपर से लेके जानी है तो मैं क्या करूंगा एवरेज कॉस्ट कर्व को ऊपर से लेके जाऊँगा और जैसे इसको टच करेगी वैसे ही बढ़ जाएगी ठीक है क्योंकि एम सी और ए सी में रिलेशन तो वही है ना एम सी ए सी को लोएस्ट पॉइंट से काटती है तो अब अगर देखें तो इक्विलिब्रियम के सामने जो मेरा प्राइस है तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस जो मेरा आ रहा है वो है ओ पी ई मतलब ये वाला या फिर कह सकते हो ये वाला ठीक है विच इज इक्वल्स टू ए क्यू ई ठीक है इक्वलीब्रम प्राइस मगर अगर हमने एक कॉस्ट देखनी है कितनी है इक्वलेब्रम के सामने तो इसको डॉटेड लाइन से ऊपर मिलाना पड़ेगा और इसको बी पॉइंट देना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा इधर तो बी पॉइंट को अच्छे तरीके से बी कर देता हूँ ये हो गया कॉस्ट तो आपको दिख नहीं रहा कॉस्ट ज्यादा होगी और प्राइस कम होगी तो मतलब लॉस हो गया तो कॉस्टिंग कितनी है ओ सी मतलब कॉस्टिंग ये है ना ये वाली ओ सी या सीओ जो भी कह सकते हो और यहाँ पे अगर मुझे कॉस्टिंग देखनी है तो ये वाली कॉस्टिंग है कितनी है बी ओहो मैं ना इसको पहले ओ यार चलो अब सही है विच इज इक्वल्स टू ये कितनी कॉस्टिंग बी क्यू ई तो कॉस्टिंग ज्यादा है और देखो जी जो प्राइजेस हैं वो कम है तो लॉस तो होना ही होना है मगर कई बुक्स में क्या होता है इसी के बीच में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बनाई होती है तो मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बना देता हूं बीच में होता क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बीच में बना दी होती है उससे बच्चे ना और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अगर बनानी है तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको बैक करता हूँ ऐसे करके बनाता हूँ कि ये ऐसे करके ऐसे लोएस्ट पे टच करके ऐसे जा रही है ठीक है तो आप देख रहे हो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने बना दी मगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देख रहे हो ये थोड़ा हाई लेवल चला गया आप उतना भी बना सकते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ए आर कव के नीचे इक्विलिब्रियम के सामने तो अभी शट डाउन नहीं हुआ शटडाउन मतलब लॉस भी हो रहा है तो कंपनी चलती रहेगी ठीक है तो कई बुक्स में एवीसी को इक्विलिब्रियम लेवल से मतलब ए पॉइंट से ए पॉइंट से से थोड़ा नीचे से गुजारा गया है मगर एमसी एवीसी और एसी के लोएस्ट पॉइंट को काटता है ये भी रिलेशन आप लोगों ने सही तरीके से चलानी है तो ये था आपका मिनिमम लॉस अगर कईयों ने ये जो एवीसी नहीं भी बनानी तो भी चल जाएगा अगर आप थोड़ा हाई फाई मानते हो अपने आप को तो एवीसी भी बना सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हेलो फ्रेंड्स आज हम करने मनोपली के अंडर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है और शॉर्ट पीरियड में मनोपली के अंडर शट डाउन पॉइंट कब होता है और कैसे होता है तो इट इज अ सिचुएशन इन विच एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेज रेवेन्यू मतलब उस चीज का प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा है वो बराबर आ जाएंगे किसके सामने इक्विलिब्रियम के सामने तो आपको अकेले रॉ मटेरियल का जो खर्चा है उसी प्राइस में बिक रही है तो इससे तो अच्छा हम रॉ मटेरियल ले ही क्यों हम काम ही क्यों करें इसलिए तो इसका नाम है शटडाउन पॉइंट कि इसमें तो भाई काम ही बंद हो जाता है ठीक है तो अब मैं आपके सामने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ <coughs> बोल बोल के गला बैठ गया जी मेरा तो ये है ए आर ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज्यादा जो है गिरती है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये है ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू ये है मार्जिनल रेवेन्यू अब मैं इसके लिए बनाता हूँ एम सी कर्व ठीक है तो ये मैंने एम सी यू शेप बना ली है एम सी एम आर को नीचे से काटती है तो ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ठीक है अब इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को नीचे तक मिलाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी और ऊपर तक मिलाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस देगी हमें तो यहाँ पे मैं मिलाता हूँ तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई वो थोड़ी लाइन इधर उधर हो जाए सीधी टेढ़ी हो जाए तो थोड़ा माफ करना क्योंकि यहाँ स्केल नहीं है मेरे पास तो टच स्क्रीन में ये बड़ा स्यापा होता है ठीक है तो यहाँ पे मैं ए पॉइंट दे देता हूँ ए पॉइंट के सामने प्राइस आ गया आपका ओपीई ओपी इज द इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया अब आपको क्या दिखाना है कि भाई फैक्ट्री बंद होगी ठीक है तो जब फैक्ट्री बंद होने वाले काम करने हैं तो हमें एवरेज कॉस्ट थोड़ी ऊपर से दिखानी है एवरेज कॉस्ट ऊपर से ऊपर से ऊपर से लेके जा रहे हैं जैसे ही यहाँ टच करेंगे वो मिनिमम होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे तो हम यहाँ ये यह जो है एम सी कर्व इसको थोड़ा सा ऊपर शो कर देते हैं ताकि कोई टेंशन ना रहे और यहाँ पे एम सी को आ, मिटा के ऊपर लिख देते ये है एम सी और ये है ए सी ठीक है तो अब इक्विलिब्रियम के सामने अगर आप देखें ये तो भाई लॉस तो पहले ही हो रहा है ओहो ये डिलीट होगी ये डिलीट नहीं होनी चाहिए थी इसको ऐसे कर देते हैं हाँ तो लॉस तो पहले ही हो रहा है अब हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे तो ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाएगी वो इस हिसाब से जाएगी कि इस पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगी ठीक है इस पॉइंट से टेंजेंट हो जाएगी और गिरते गिरते जैसे ही इसको टच करेगी वो लो पॉइंट होगा क्योंकि एम सी सी को भी लो पॉइंट से करती है और उसके बाद इनमें गैप कम कम होना चाहिए ठीक है कम होना चाहिए मगर ये एक दूसरे को टच नहीं करती क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता तो इस पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट कहेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम के सामने देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस पॉइंट पे बराबर है <coughs> दोबारा बताता हूं कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है जितने भी आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्टिंग अगर उनकी कॉस्टिंग भी प्राइस के बराबर आ गई तो आप कहोगे काम करने का क्या फायदा है काम ही बंद कर दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मेरी पेन की फैक्ट्री है मैंने पेन बनाने के लिए वेरिएबल फैक्टर मान लो रॉ मटेरियल लिया रॉ मटेरियल पड़ा मुझे दस रुपये का पर पेन का प्लास्टिक ठीक है या मान लो पांच रुपए का पड़ा और मार्केट में अगर वो पांच रुपए का बिकता है तो मैं कहूंगा बनाने का क्या फायदा हुआ जितने का रॉ मटेरियल पड़ रहा रहा है है उतने का तो तो प्राइस ही जा रहा है, तो फिर मैं काम ही बंद कर दूंगा तो उस सिचुएशन को शट डाउन पॉइंट कहा जाता है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मनोपली के अंडर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होती है लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में होता क्या है लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं इस फर्म का तो आज आ लोगों को इसी से सामान खरीदना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से तो कॉस्टिंग कम है रेवेन्यू ज्यादा है किसके सामने इक्विलिब्रियम के सामने अब मैंने एआर और एमआर आर कर्व्स पहले से बनाई हुई हैं अब मैं एम सी का बनाऊंगा लॉन्ग रन में एम सी का मान लो इस टाइप की जा रही है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ लॉन्ग रन मार्नल कॉस्ट इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ जहाँ एम सी कट्स एम फ्रॉम बिलो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो गया ठीक है और इसको अगर मैं नीचे मिलाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई ऊपर मिलाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ए पॉइंट के कॉस्पॉन्डिंग लिख लेता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस है तो अब अगर मुझे कॉस्टिंग बनानी है तो मैं इस टाइप से बना देता हूँ तो मैं क्या करूंगा नीचे गिराता रहूंगा एवरेज कॉस्ट को जैसी टच करेगी वो लोएस्ट होगी और उसके बाद ये बढ़ जाएगी तो कहने की बात ये है कि ये होगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये नहीं बनाता दोबारा से बनाता हूँ कि यहाँ पे लोएस्ट टच हुई है ना लोएस्ट के बाद ही बढ़ा दूंगा ठीक है उसको थोड़ा लंबा नहीं लेके जाना क्योंकि लोएस्ट पे ही ये आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए एमसी एल ए सी को एल एलएसी एल ए सी को लोएस्ट से ही काटेगी तो अब अब ध्यान से देखो इक्वली ब्रिम के सामने कॉस्ट तो इतनी है इसको ले लेता हूँ बी पॉइंट यहाँ से डॉटेड लाइन की तो कॉस्टिंग होगी कम प्रॉफिट प्राइस हो गया ये हो गया प्राइस और ये होगी कॉस्टिंग तो क्योंकि जो भी देखना है इक्विब्रियम के सामने ही देखना है ना तो इक्विब्रियम के सामने अगर देखें तो एवरेज कॉस्ट क्या है ये ओ सी ठीक है और प्राइस कितना है ओ पीई -E, ये वाला तो दोबारा बता रहा हूँ प्राइस ये आ, उल्टा हो गया ये कॉस्ट है और ये प्राइस है तो प्रॉफिट ही हुआ ना प्रॉफिट को कैसे शो करेंगे ये वाला पोर्शन ये सारा का सारा प्रॉफिट है तो लॉन्ग रन में कंपनी को हमेशा सुपर नॉन प्रॉफिट होता है मोनोपोली के अंडर ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एक और टॉपिक जिसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली भी कहा जाता है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इट इज़ अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट प्राइजेज आर चार्ज फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट ये कैसी सिचुएशन है जिसमें अलग अलग इंसान से एक ही चीज के लिए अलग अलग रेट चार्ज किए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दुकान है और आसपास कोई दुकान ही नहीं है मेरी विलेज में एक ही दुकान है तो मेरे जान पहचान के होंगे उनको सस्ता रेट लगा दूंगा जो जान पहचान के नहीं होंगे उनको महंगा रेट लगा दूंगा तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपली या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज किए जाते हैं सेम चीज के ठीक है तो इसको डेफिनेशन में करते हैं अकॉर्डिंग टू जे एस बेंज

हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप्स की होती है तो सबसे पहला आ जाता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ मोनोपलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर अ सेम प्रोडक्ट देन इट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मोनोपलिस्ट एक ही चीज़ के अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट चार्ज करता है इग्नोरेंस ऑफ दस्टमर कभी कभी क्वालिटी क्या नहीं तो विदाउट करेगा तो उसको सस्ता भी दे देते हैं तो इसे पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है नेक्स्ट आ जाता है जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेर ए मनोपलेस चार्जेस डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट एरियाज फॉर द सेम प्रोडक्ट इसमें क्या होता है मेनोपलिस्ट क्या करता है अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट चार्ज करता है फॉर एग्जांपल मैं पंजाब में रहता हूँ इंडिया में जो पंजाब है वहाँ पे रहता हूँ और सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो दूध है मिल्क है उसका जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पंजाब में वो है वेरका तो वेरका ने जब जो है चंडीगढ़ में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जो दूध का सप्लाई करना होता है तो रेट अलग होता है हिमाचल में जब सप्लाई करता है तो रेट अलग होता है और जब हरियाणा जो एक और जगह है एक और स्टेट है वहां जब सप्लाई करता है तो अलग रेट होता है तो जोग्राफिकल प्राइज डिस्कन्वेंशन मतलब जब भी मोनोपलिस्ट अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइजेस जो है चार्ज करे इन इन अ मार्केट वेयर डिमांड इज इलास्टिक ही चार्जेस लो प्राइस जहां पे भी डिमांड इलास्टिक है फ्लेक्सिबल है वहां पे क्या करता है वो इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल वहां पे कम प्राइजेस चार्ज करता है एंड वेयर डिमांड इज इन इलास्टिक जहां उसको पता है लोगों ने खाना ही खानी है चीज कंज्यूम करनी करनी है वहां पे प्राइजेस हाई चार्ज करता है समझ के बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज तो यूज के हिसाब से भी हो सकता है वेन अ मोनोपलिस फॉर डिफरेंट यूज ऑफ द प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज तो इसमें क्या होता है कि जब प्राइजेस यूज के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं कि जो जितना यूज करेगा उसके हिसाब से तो उसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर यूनिट फॉर डोमेस्टिक यूज इज डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल यूज तो यूज के हिसाब से फर्क है जो बिजली आपको ऑफिस या उसमें मिलती है क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में मिलती है उसका पर यूनिट का रेट अलग है और जो घरों में मिलती है उसका पर यूनिट का रेट अलग है यूज वो कमर्शियल यूज है वो डोमेस्टिक यूज है तो जब भी प्राइजेज ज के हिसाब से अलग अलग चार्ज किए जाए उसे price discrimination according to use कहा जाता है। Next आ जाता है। है है? आ इसमें क्या अंडर दिस सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइजेस एट डिफरेंट टाइम्स फॉर एग्जाम्पल कॉल चार्जेस वर लो फॉर नाइट कॉल्स एंड अर्ली मॉर्निंग कॉल्स एंड हाई रेट्स फॉर द डे टाइम कॉल्स आपको याद होगा जब नए नए शुरू में मोबाइल चले थे तो टाइम के हिसाब से चार्ज किया जाता था टाइम मतलब जो रात रात कॉलिंग करते हैं उनको सस्ती पड़ती थी और जो दिन में करते हैं, क्योंकि दिन में तो ऑलरेडी बिजी स्केड्यूल रहता है तो महंगा पड़ता था मुझे याद है कई रेस्टोरेंट हैं, जिसमें आप सैटरडे संडे को जाते हो तो भाई कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलता ऊपर से थोड़ा महंगा भी हो सकता है और अगर आप वीकडेज में जाते हो तो वो आपको सस्ता चार्ज करते हैं तो अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम किया जाए टाइम के हिसाब से चार्ज किया जाए तो उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम कहा जाता है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक और टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिसका नाम है प्राइस

क्या पता विलिंग थे देने के लिए बीस रूपए एक्चुअल में वो पचास रुपए की चीज मिली तो आपका सरप्लस नेगेटिव भी हो सकता है अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस के बारे में नहीं पता तो इस प्ले में जाइए और पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस का आपको चैप्टर मिल जाएगा ठीक है तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो तो मोनोपलिस्ट फर्स्ट डिग्री में क्या करता है वो इस हिसाब से प्राइस चार्ज करता है कि कंज्यूमर सरप्लस जीरो मतलब वो देख लेता है कि प्राइस विलिंग टू पे कितना है और प्राइस एक्चुअली पेड कितना है दोनों बराबर कर देता है फॉर एग्जांपल आपको याद है जब भी आप कभी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं हमें फलां फलां सामान दिखाओ तो दुकानदार कहते हैं आपका बजट कितना है जैसे ही आप बजट बताते हो उसे पता लग जाता है ये प्राइस विलिंग टू पे इतना है तो बजट के आसपास ही वो चीजें बताते रहते हैं ताकि आप सारा का सारा पैसा खर्च करके जाओ मतलब जो आप प्राइस विलिंग हो वो ये हो गया उल्टा पुल्टा तो जितना भी आप प्राइस विलिंग को देने के लिए उतना ही आपका प्राइस एक्चुअली पेड होना चाहिए मतलब दुकानदार जितना आप देना चाहते हो उतना ही निकलवा लोगे जैसे मैं कई जगह देखता हूं मैं कई दुकानदार के पास जाऊं अगर वो देखते हैं कि बंदा तो कार कूर पे आए हाई फाई जगह से आए कपड़े हाई फाई पहने हुए हैं तो क्या पता वो अमीर होगा उस हिसाब से चार्ज कर लेते हैं तो वो मतलब कई ऐसे सिचुएशन में भी मैंने देखा है जो आपके साथ शेयर किया तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए सीचुएशन जितना प्राइस विलिंग है ना कंज्यूमर देने के लिए उतना ही प्राइस उससे चार्ज किया जाता है नेक्स्ट सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें क्या होता है इट अकर्स वेन मोनोपलिस्ट चार्जेज डिफर फॉर डिफरेंट क्वान्टीज कंज्यूम्ड या परचेज दैट इज डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस जैसे आप वॉल मार्ट में चले जाए जब भी आप क्वान्टिटी ज्यादा लेते हैं तो आपको प्राइजेस सस्ती पड़ती है पर यूनिट प्राइस सस्ती पड़ेगी अगर आपने दस यूनिट ले लिए तो आपको पर यूनिट दस रुपये पड़ रहा है अगर आपने सौ यूनिट ले लिए तो पर यूनिट आठ रुपये पड़ रहा है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज होता है और अगर आपने बहुत कम प्राइस बहुत कम क्वांटिटी चार्ज करनी है तो आपको एमआरपी जो रिटेल प्राइस है उसी पे सामान मिलेगा तो मैं रिपीट करता हूं जब भी आपको क्वांटिटी परचेज के हिसाब से प्राइजेस अलग अलग मिले जिसमें जितना बल्क में खरीदो उतना पर यूनिट सस्ता मिले और वाई से वर्षा उस सिचुएशन को हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं नेक्स्ट आ जाता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू दैट डिस्क्रिमिनेशन अंडर विच अ मनोपलिस डिवाइड्स द एंटायर मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट इंटू टू और मोर ग्रुप्स एंड चार्जेस डिट प्राइज फ्राम डिफरेंट ग्रुप्स अब इसमें क्या होता है इसमें मार्केट में मोनोपलिस जो है पूरी की पूरी मार्केट को दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट चार्ज करता है फॉर एग्जाम्पल मैं पेप्सी पीने चला गया एक नॉर्मल दुकान पर वहाँ पर जो प्राइज़ था वो था पेप्सी की पेट बॉटल का बीस रुपये और वही प्राइस अगर मैं क्या कहते हैं आ, किसी मॉल में जाके पी रहा हूं या फिर किसी पिज्जा हट में जाके पी रहा हूं या डोमिनोज में जाके पी रहा हूँ वही सेम पेप्सी या कोक जो भी मिलती है वहां पे वो चालीस चालीस रुपए की होती है या डबल रेट की होती है तो मतलब मार्केट को इस हिसाब से डिवाइड कर देना कि अलग अलग जगह पे वो अलग अलग रेट को चार्ज कर पाए उसे कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करूंगा जिसका नाम है कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग इंसानों से अलग अलग रेट चार्ज करना मगर क्या हमेशा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या क्या कंडीशन होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मनोपली तो मनोपली होगी तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाएगी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर द कंडीशन ऑफ मनोपली दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मनोपली तो इसी वजह से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है मनोपली के अंडर उसे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपली कहा जाता है तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए जो सबसे मेन है मोनोपली होनी चाहिए अगर आप मनोपली नहीं है फिर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो क्या पता आपकी कामयाबी ना हो ठीक है नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट सेपरेट मार्केट देयर मस्ट बी टू और मोर मोर मार्केट्स विच कैन बी सेपरेटेड दो या दो से ज्यादा मार्केट्स होनी चाहिए जिनको आप सेपरेट कर सको ठीक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली इफ अ यूनिट ऑफ कॉमोडिटी

पेप्सी ने ए स्टेट में भी माल बेचना है बी में भी बेचना है तो ये दोनों इतनी आपस में सेपरेट होनी चाहिए कि यहां का बायर यहाँ से जाके सस्ती ना खरीद पाए या फिर यहाँ का सेलर महंगी खरीद के यहाँ से सस्ती ना बेच पाए एंड वाइस वर्षा अगर बायर यहां से जाके यहां से खरीदने लगेगा तो महंगी बेच के क्या फायदा होगा तो ये तभी कामयाब हो पाएंगे सारे सिस्टम जब मार्केट ही सेपरेट होगी समझ गई बात नेक्स्ट डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होगी तब भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है फॉर एग्जाम्पल इलास्टिसिटी क्या है फ्लैक्सिबिलिटी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फ्लैक्सिबिलिटी कम है इलास्टिसिटी कम है उनको तो चीज़ चाहिए ही चाहिए वो हाई रेट पर भी खरीद लेंगे और जिनकी फ्लैक्सिबिलिटी कम है वो लोअ रेट पर खरीदेंगे ठीक है तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेनोपलिस्ट विल फिक्स हायर प्राइजेज पर यूनिट इन द मार्केट वेयर डिमांड इज इन इलास्टिक एंड लो प्राइज पर यूनिट वेयर द डिमांड इज मोर इलास्टिक और इलास्टिक जहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे लेस प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं क्योंकि डिमांड फ्लेक्सिबल है अगर कंज्यूमर्स को लगा महंगा है तो नहीं खरीदेंगे और जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है लोगों ने खरीदनी खरीदनी है वहाँ पे हाई रेट चार्ज किए जाते हैं नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर इन डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग द मार्केट टू बी मिनिमम इफ द एक्सपेंडिचर इज लो मोनोपली मोनोपलिस्ट विल चार्ज डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्किट्स अगर मार्किट्स को डिवाइड करने में ये मार्केट है दो अलग अलग मार्केट्स कर ली इनको डिवाइड करने में खर्चा कम है ठीक है अगर खर्चा कम है दोबारा बोल रहा हूं अगर मार्केट्स को डिवाइड एंड सब डिवाइड करने में खर्चा कम है तो मोनोपलिस्ट अलग अलग रेट चार्ज कर लेगा अगर उनको डिवाइड करने में खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है और उसे बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है तो वो फिर अलग अलग रेट चार्ज नहीं करेगा अगर उसकी कॉस्टिंग मिनिमम है तो अलग अलग रेट चार्ज कर लेगा ठीक है नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी टू ऑर्डर ये भी बहुत आसान है अगर आप कोई भी चीज ऑर्डर पे तैयार कराते हैं तो उसकी प्राइस तो अलग ही होगी ना इफ अ कंज्यूमर गेट्स अ कॉमोडिटी मेड टू ऑर्डर देन इट इज पॉसिबल फॉर द प्रोड्यूसर और द सेलर टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर मैंने गेट फ्लां फ्लां तरीके से बनाना अपने घर का और दूसरे बंदे ने फ्लां फ्लां तरीके से बनवाया चाहे लोहा सेम लगाओ सेम क्वांटिटी या सेम किलो या क्विंटल का लगाओ प्राइस अलग अलग हो जाएगा क्योंकि जब भी आप अपने ऑर्डर पे चीज बनवाते हो तो उसमें उसमें जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग रेट चार्ज करने का उसको पूरा पूरा मौका रहता है नेक्स्ट आ जाता है लीगल सेंक्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी लीगली सेंशन इन सम केसेस फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो घर के लिए अलग रेट डोमेस्टिक के लिए अलग रेट चार्ज करता है और इंडस्ट्रियल यूज के लिए अलग रेट चार्ज करता है क्या पता इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देनी हो तो उसको सस्ता लगा दे और डोमेस्टिक को डबल रेट लगा दे ठीक है तो लीगल सेंशन भी हो सकती है सरकार भी खुद कर सकती है कि अलग इंसानों से अलग अलग, अलग रेट नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट मोनोपलिस्ट बाय चेंजिंग द पैकिंग नेम लेबल एटसेट्रा ऑफ अ गुड कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेजिकली गुड इज ऑफ द सेम क्वालिटी कभी कभी ऐसा भी होता है वो ये दिखाता है कि प्रोडक्ट डिफरेंसिएशन है क्वालिटी अलग अलग है मगर वो क्वालिटी अलग अलग दिखा के रेट अलग अलग चार्ज कर लेता है मगर क्वालिटी एक्चुअल में सेम ही होती है ठीक है इसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है मान लो ब्रेड बनाती है एक तरफ उसने ब्रेड की पैकिंग कर दी ब्रेड बनाई ठीक है ब्रेड बनाई ब्रेड की पैकिंग कर दी उस पर लिख दिया ग्रीन के जी ये इसमें अंडे नहीं डले हुए फला नहीं डले हुए ऐसा नहीं है जी वैसा नहीं है दूसरी ब्रेड बनाई नॉर्मल ठीक है और एक ब्रेड पे लिख दिया जी ये काफ़ी मतलब हेल्थ के लिए अच्छी है इसमें ये है जी वो है जी इधर उधर की बातें लिख दी कि ये जिस आटे से बनी हुई है उसमें पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह नहीं है तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है बल्कि चीज़ सेम है फिर भी वो अलग अलग रेट चार्ज कर लेगा अंदर चीज सेम ही रहेगी ठीक है नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स कंज्यूमर का बिहेवियर अगर कंज्यूमर मॉल्स वगैरह में खरीदना चाहते हैं तो वही चीज डबल रेट की मिल जाएगी अगर नॉर्मल शॉप से खरीदना चाहते हैं तो नॉर्मल प्राइस रहेंगे मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ मेरा आ, मैं एक शूज खरीदने गया नाइक के तो मैं फैक्ट्री आउटलेट से खरीदे मान लो वो मुझे पड़े पाँच हज़ार के मगर मेरा एक फ्रेंड गया खैर मैं इतने महंगे जूते नहीं पहनता अब ये मत सोचना मैं बहुत अमीर हूं तो मेरा एक फ्रेंड गया वो वहां से लेके आ गया मॉल से उसने वही सेम जूते आठ हजार के खरीदे तो भाई चीज तो सेम थी मगर फिर भी उसके एटीट्यूड या उसके बिहेवियर की वजह से उसको महंगा सामान मिला ठीक है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकनॉमिक्स एक और टॉपिक जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के क्या इफेक्ट्स है पॉजिटिव इफेक्ट्स भी डिस्कस करूंगा और नेगेटिव इफेक्ट्स भी डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स सबसे पहला है बेनिफिशियल फॉर पुअर

और जो सस्ता चार्ज करके नुकसान हुआ है वो अमीरों से या जो वेल टू डू हैं उनसे डबल रेट चार्ज किया जाए तो ओवरऑल सोसाइटी का फायदा होगा क्यों चीज भी बिक जाएगी और गरीब को भी मिल जाएगी वो भी भूखा नहीं मरेगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव तब रहेगी जब गरीबों से कम रेट चार्ज किया जाए और अमीरों से ज्यादा किया जाए ठीक है और अगर कोई अमीर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे गालियां मत निकालना ठीक है ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट आ गया सेकेंड पॉइंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो गरीबों को या लो लेवल इनकम को सस्ते में मिलती हैं और अगर वही सर्विसेज किसी हाईफाई ने यूज करनी है उसको ज्यादा रेट पे दें एग्जांपल दे रहा हूँ लाइक सर्विसेज लाइक रेलवेज ओ हो कौन हॉर्न रहा है घर के बाहर सर्विसेज़ लाइक रेलवे सर्विसेज़ लाइक मेडिकल प्रैक्टिशनर एट्सट्रा विच आर इनडिसबल फॉर द सोसाइटी कैन नॉट बी मेड अवेलेबल विदाउट रिजॉर्टिंग टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो जैसे मेडिकल फैसिलिटीज लगा लो एग्जाम्पल रेलवेज लगा लो तो वो गरीबों के लिए सस्ती कर दें या फिर मुफ्त कर दें और जो अमीर हैं उनके लिए चार्ज कर दी जाए इफ देर इज नो प्राइज डिस्क्रिमिनेशन देन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में नॉट बी एबल टू अवेल दीज सर्विसेस अगर इलाज हर जगह महंगा हो गया जैसे सरकारी अस्पताल उसमें इलाज महंगा हुआ तो अमीर ही करा पाएंगे भाई गरीब तो करा ही नहीं पाएंगे तो अमीरों के लिए प्राइवेट सेक्टर खोला हुआ कि भाई तुमने वहाँ जाना है वहां चले जाओ ठीक है और अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता मनोपली होती तो अमीरों के लिए रेट अलग होता और गरीब अपना कार्ड दिखा देते वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनका सस्ते में हो जाता समझ गई ना बा नेक्स्ट आ जाता है फुलर यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्स बाय सेलिंग द गुड एट चीप प्राइजेज एब्रॉड द प्रोड्यूसर कैन यूटिलाइज देयर एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी होता है कभी कभी प्रोड्यूसर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सामान बना देता है अगर उसने सौ यूनिट बनाना है मगर उसके पास मशीनें वगैरह ज्यादा हैं तो उसने डेढ़ सौ बना दिया तो जो फालतू का माल उसने बनाया है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दे तो जब बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो वह अपनी यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से कर सकता है मतलब वो अपने रिसोर्स को फुल यूटिलाइज कर सकता है तो बाहर बेच दे सस्ते में क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कॉम्पिटिशन होगा ना तो बाहर सस्ते में अपना माल बेच दे और यहाँ पे रेट अलग रखे तो डोमेस्टिक मार्केट में अलग रेट

टू अकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर वो वो प्रोड्यूस करेंगे जो कि मतलब नेसेसिटीज वगैरह हैं तो वो तो वीकर सेक्शन खरीदेगा और वीकर सेक्शन के लिए ज्यादा मतलब उसके पास ज्यादा पैसे तो होते ही नहीं है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी मनोपली वाले हैं वो क्या कर रहे हैं वैसे तो मोनोपली आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है तो मोनोपली वाले लग्जरी आइटम पे शिफ्ट हो जा रहे हैं और नेसेसिटीज को कम कर रहे हैं नेक्स्ट आ जाता है लेस प्रोडक्शन मोनोपलिस्ट

अपना जितना भी एक्सेसिव माल है वो सस्ते रेटों पे छोड़ देते हो और उन उन मार्केट में जो प्रोड्यूसर बैठे होते हैं उनकी ऐसी की तैसी कर देते हो ठीक है तो इट मींस सेलिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक मार्केट तो वो क्या करते हैं चाइना में जो माल है वो अपनी मार्केट से भी सस्ता माल बाहर बाकी कंट्रीज में दबा के बेचते हैं और उनके प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा नुकसान कराते हैं फैक्ट्रियां बंद करा देते हैं अमेनोपलिस्ट हैज टू फेस टू ऑफ मार्केट्स एक तो डोमेस्टिक मार्केट ओवर विच ही हैज मनोपली कंट्रोल एंड अ फॉरन मार्केट वेयर ही इज to compete विद अदर सेलर्स तो चाइना जब अपना माल बेचता है तो घर में तो उनकी क्या पता मोनोपली हो और बाहर उसको compete करना पड़ता है तो वो foreign मार्केट्स में इतना सस्ते में price बेचते हैं कि बाकी कंपनियों के धुएं निकल जाते हैं ठीक है तो dumping हैज मैनी ऑब्जेक्टिव इसका कई मकसद हो सकते हैं टू कंपीट आउट द राइवल्स इन द फॉरन मार्केट जो भी फॉरन मार्केट में राइवल्स बैठे हैं उनके साथ कंपीट करना टू टेक एडवांटेज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में वो बल्क में सामान बनाते हैं और उस बल्क को बेचना है ठीक है जो होम कंजम्पन या डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए वो तो ठीक है जो बचा हुआ है वो भी तो बाहर बेचना है ना नेक्स्ट आ जाता है टू क्रिएट डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इन द फॉरन मार्केट तो वो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाते हैं तो जितनी भी आप चाइनीस देखोगे उन पे कोई ना कोई नया सामान आता ही रहता है अगर आपको नई भी चाहिए ना तो आप अली बाबा या ऐसी कई साइटें हैं आप उनको देख के मंगवाई लेते हो चाहे आप एक ही बार इस्तेमाल करो तो डिमांड को क्रिएट कर देते हैं टू गेट रेड ऑफ द सरप्लस स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट उन्होंने बल्क में सामान बनाया होता है उसको बेचना तो होता ही है तो सस्ते में उठा देते हैं सस्ते में बाकी कंट्रियों में जाके बेच देते हैं ताकि उन कंट्रियों की भी ऐसी तैसी हो जाए और हमारा भी माल बिक जाए टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड तो हमारे घर में उसकी इलास्टिसिटी मतलब मान लो मैं बाहर जाके माल डंप कर रहा हूँ तो अगर मेरे घर में उसकी इलास्टिसिटी कम है तो मैं तो हाई रेट पे बेच दूंगा मगर अगर फॉरेन कंट्री में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी मोर है मतलब फ्लेक्सिबल है तो उस केस में क्या होगा अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फिर प्राइस लो होगा तो अगर डोमेस्टिक मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो है तो हाई प्राइस चार्ज किया जाएगा और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉरेन मार्केट में हाई है तो लो प्राइस चार्ज किया जाएगा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आ, नीचे कोई चैप्टर मैंने लिखा नहीं हुआ अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाता हूँ और टेक केयर हैव ए नाइस डे